तो गैज़ ये हैं सोलिमो के नेक बैंड जो कि 400 रुपीज़ में हमें मिले हैं अमेज़न की फ़र्स्ट सेल में। तो सोलिमो अमेज़न का ही एक ब्रांड है, आप बोल लीजिए सब ब्रांड है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है अमेज़न के लिए। तो टैग यहाँ पे सोलिमो का लगा हुआ है, बट ये स्टिल अमेज़न के ईयरबड्स हैं। तो किस टाइप के ये ईयरबड्स हैं एंड क्या आप इसको परचेज कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो चीज़ हम चेक करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए गाइस बिना किसी डिले के ये वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम सौरभ, आप देख रहे हैं जेस टेक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अपकमिंग वीडियोस के लिए। तो गाइस ये हैं सोलिमो के ईयरबड्स नेक बैंड। सोलिमो अमेज़न का ब्रांड है, तो अमेज़न ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है अपने ही प्लेटफॉर्म पर इंडिया में, एंड जो लॉन्च था वो था प्राइम डे पे। तो ये हमें आज मिले हैं एंड कितना प्राइस हमने पे किया, तो हमने इनके लिए पे किए हैं 400 रुपीज़ में आपको मिलते हैं 15 घंटे का बैटरी बैकअप, मैग्नेटिक ईयरबड्स एंड 25 ग्राम के ईयरबड्स हैं जो कि ब्रांड बोल रहा है। तो 5.0 की कनेक्टिविटी आपको मिलती है ब्लूटूथ की। तो चलिएगा इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि किस टाइप का है। तो यहाँ पर आपको प्राइस जो दिया गया वो 2300 रुपये है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें प्रोडक्ट की लुक डिज़ाइन, तो हमें क्या क्या मिलता है, तो यार एक नॉर्मल सा नेकबैंड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जो कि आप इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बोट के कोई ईयरबड्स में देखे थे जिसमें ये चीज़ थी। देन आपको एक यूएसबी केबल मिल जाती है एंड एक्स्ट्रा एयर टिप्स आपके यहाँ पे हैं। तो 500 रुपये के ईयरबड्स आप माने आपने परचेज किए, तो उसमें आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, जस्ट साउंड अगर अच्छी होगी तो ये वर्थ इट होंगे। सोलिमो को ब्रांडिंग मिल रही है, बटन्स यहाँ पे दिए गए एंड एक LED इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया। तो गाइज़ मुझे बिल्ड क्वालिटी इतनी पसंद नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग, बटन वगैरह जो हैं वो भी खैर प्रेस करने में इतना मज़ा नहीं आता, फिर भी चले ट्राई कर लेते हैं, इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद आपको LED इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाता है एंड मैं अपने फ़ोन में चेक करता हूँ कि किस नाम से ये आएगा एंड उसके बाद बात करेंगे। तो यहाँ पे ओके गेटिंग नेम करके आ रहा है ब्लूटूथ का नाम भी, ओके SO सोलिमो का SO22535500, बहुत बड़ा नाम दिया गया है। तो चलिए कोई नहीं, वो तो हमें यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, तो हम इनसे म्यूज़िक वगैरह सुन के देखेंगे एंड अदर चीज़ टेस्ट आउट करेंगे। तो गाइस प्रोडक्ट हमने यहाँ पे चेकआउट कर लिया, अनबॉक्सिंग पार्ट हमने ऑलरेडी डन कर लिया, बट अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये कहीं से भी इम्प्रेसिव नहीं है। मुझे नहीं लगा कि ये ईयरबड्स लाइक आपको परचेज करनी चाहिए, काफ़ी सारे रीजंस हैं। फर्स्ट थिंग बिल्ड क्वालिटी काफ़ी चीप यहाँ पे फील होती है, आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। सेकंड थिंग जिस टाइप की बिल्ड क्वालिटी है उससे ईयर में पेन यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने ये ईयरबड्स लाइक अराउंड 5 मिनट ही यूज़ किए एंड अब मेरे लेफ्ट ईयर में पेन होना स्टार्ट हो गया, तो ये मुझे काफ़ी अजीब सा लगा क्योंकि यार नॉर्मली जो ईयरबड्स आते हैं सिलिकॉन एयर टिप्स के साथ उनमें इस टाइप का पेन नहीं होता, बट यहाँ पे मेरे को ये फील हो रहा है। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस जो नीचे ये सेक्शन दिया गया है यहाँ पे, तो ये आपका कम्प्लीटली प्लास्टिक है, प्योर प्लास्टिक है जो कि नेक को हर्ट कर सकता है एंड जब स्वेट आता है तो ये और पेनफुल हो सकता है आप लोग के लिए। बटन्स वगैरह भी इतने क्लिकेबल नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। देन आपको टाइप सी चार्जिंग नहीं मिलता, आपको मिलता है एक USB to micro USB। अगर मैग्नेटिक टच की बात करें तो ये सिर्फ नाम मात्र है, इतना मैग्नेटिक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। देन ईयरबड्स हर जगह से चीप फील होता है, बट इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी कैसे ईयरबड्स है, तो चलिए यार साउंड क्वालिटी एक बार चेक कर ही लेते हैं एंड उसके बाद माइक्रोफोन भी टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइज़ साउंड क्वालिटी हमने यहाँ पे चेक कर ली इन ईयर एंड आउट ईयर दोनों, एंड अगर मैं बात करूँ इनके
साउंड क्वालिटी की। तो गाइस प्राइस के अकॉर्डिंग तो आपको इससे बेटर साउंड क्वालिटी नहीं मिलेगी, और शायद ही कोई दूसरे ईयरबड्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा इनसे बेटर साउंड क्वालिटी कंपेयर टू प्राइस। बट अगर मैं नॉर्मली बात करना चाहूँ साउंड क्वालिटी की, तो आपको वोकल साउंड में लगेगा काफ़ी भारी पड़ेगा, लाइक थोड़ा हैवी यहाँ पे ये आउटपुट देते हैं आपको वोकल साउंड का, तो रियल म्यूजिक एक्सपीरियंस आपको नहीं आएगा। बेस वगैरह कुल मिला के ठीक है, साउंड लाउडनेस वाइज ठीक है, प्राइस काफ़ी कम है। तो अगर आपको कम प्राइस में नेकबैंड ही चाहिए, आप ईयरबड्स वगैरह नहीं यूज़ करते लाइक वायर्ड वगैरह, तो यार आप ले सकते हैं डेफिनेटली, अगर आपको ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी पे यहाँ पे इश्यू नहीं है। तो लास्ट चीज़ यहाँ पे बचती है जो कि इनका माइक्रोफोन टेस्ट है, तो चलिए यार माइक्रोफोन टेस्ट भी एक बार परफॉर्म कर लेते हैं। तो गाइस ये वो जो है ये सोलिमो के नेकबैंड से रिकॉर्ड हो रही है, जो कि रिसेंटली लॉन्च नेकबैंड अमेज़न पे 400 की प्राइसिंग में नेकबैंड से किस टाइप का आपको साउंड एंड माइक्रोफोन क्वालिटी मिलती है आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो गाइस माइक्रोफोन टेस्ट भी हमने परफॉर्म कर लिया है, एंड आउटडोर में जो वॉइस है इनकी काफ़ी हॉरिबल साउंड हो रही है, मुझे इतनी माइक्रोफोन क्वालिटी यहाँ पे पसंद नहीं आई, एंड इंडोर में कुल मिला के जस्ट ओके माइक्रोफोन क्वालिटी है। तो कंसिडरिंग प्राइस गाइज आप इसको ले सकते हैं, मैं तो वही प्रेफरेंस करूँगा, क्योंकि जब मैं इनको टेस्ट आउट कर रहा था इधर इस बजट के ईयरबड्स के साथ, तो उनकी साउंड क्वालिटी एंड इसकी साउंड क्वालिटी में डिफरेंस था, ये बेटर थे, एंड अदर चीज़ों में मे बी अदर ईयरबड्स बेटर हो सकते हैं, बट साउंड वाइज ये बेटर लगे मुझे। तो कम प्राइस की बात कर रहे हैं आप, अगर दूसरा ब्रांड भी लेंगे तो आपको कुछ इस टाइप की ही बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो गाइज आप मुझे बताइए कि आप इसको प्रेफरेंस देंगे या नहीं देंगे, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।